तो इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं, जब आप अपने फोन पे में यहां पर आप अपना नंबर टाइप करते हैं और उसके बाद यहां पर आप प्रोसीड पर यहां पर आप क्लिक करते हैं, तो यहां पर लिख के आता है ऑटो रीडिंग ओटीपी 0.27 2030, ऐसा सेकंड्स आपको आता है। लेकिन आप यहां पर वेट कर लेते हैं, पूरा यहां पर जो 30 सेकंड्स है वो वेट कर लेते हैं, उसके बाद भी आपका ओटीपी यहां पर नहीं आता है। जिस तरीके से अभी मैंने अपना नंबर डाला तो यहां पर देखिए, अभी यहां पर पूरा टाइम भी हो जाएगा तो उसके बाद भी यहां पर मेरा ओटीपी नहीं आएगा। देख लेते शायद आ जाए, तो यहां पर टाइम हो चुका है फिर भी ओटीपी नहीं आया। तो यहां पर हम लोग रीसेंट पर क्लिक करते हैं तो ट्राई करते हैं कि आ जाए या ना आए। तो ये करने के बाद भी हमारा ओटीपी हमें सेंडिंग एसएमएस दिखाई देता है लेकिन ओटीपी हमें नहीं रिसीव होता है। तो इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करें इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखते रहिए। तो सबसे पहले आपको बैक चले जाना है और उसके बाद आपको अपने फ़ोन की सेटिंग्स में चले जाना है, और सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पर आपको आपकी मोर सेटिंग्स में यहाँ पर चले जाना है, और उसके बाद आपको यहाँ पर दिखाई देगा आपका एप्लीकेशन मैनेजर। आपका एप्लीकेशन मैनेजर शायद आपके बाहर ही हो, पहले ही मिल जाए, मोर सेटिंग में ना जाना पड़े, लेकिन मेरा एप्लीकेशन मैनेजर मोर सेटिंग के अंदर है तो यहाँ से मैं ओपन कर लेता हूँ। उसके बाद आप एक बार मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और यहाँ पर आपको सबसे पहले अपने मैसेज की एप्लीकेशन को ढूंढ लेनी है। तो यहां पर ये रही मैसेज की एप्लीकेशन, तो इसको यहां से ओपन कर लेना है और उसके बाद एक बार यहां से इसे फोर स्टॉप कर देना है। ओके, उसके बाद यहां पर आप देख पाएंगे परमिशंस, तो यहां से इसे ओपन कर लेना है। अब आपको ध्यान रखना है यहां पर एक भी परमिशन ऑफ ना होनी चाहिए, सारी परमिशन आपको यहां पर ऑन कर देनी है। तो यहां पर देखिए मेरी एसएमएस की परमिशन ऑफ है, तो यहां से इसे इनेबल कर देता हूं, और अगर आपकी पहले से ही ऑन है तो एक बार सारी ऑफ कीजिए और उसके बाद वापस से ऑन कर दीजिए, ठीक है। तो उसके बाद यहां से मैं बैक करता हूं। अब बैक करने के बाद यहाँ पर आपको अपने फ़ोन पे की एप्लीकेशन को देख लेना है। तो यहाँ पर देखिए ये फ़ोन पे की एप्लीकेशन यहाँ पर ये रही, तो इसको यहाँ से ऐसा खोल लेना है और उसके बाद एक बार इसे भी यहाँ से फोर स्टॉप कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आप स्टोरेज देख पाएंगे, तो स्टोरेज को यहाँ पर क्लिक करना है और उसके बाद एक बार यहाँ से क्लियर कैचे कर देनी है। यहाँ पर आपको एक बार क्लियर डेटा भी कर देना है, बिना डरे कुछ डेटा आपका डिलीट नहीं होगा तो क्लियर कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको बैक आना है और उसके बाद यहाँ पर आप देख पाएंगे परमिशंस, तो देखिए यहाँ पर सारी परमिशन ऑफ है, कैमरे की, कॉन्टैक्ट्स की, लोकेशन की, माइक्रोफोन की, फ़ोन की, एसएमएस की एंड स्टोरेज की। तो एक एक करके आपको सारी परमिशंस को यहाँ पर ऑन करना होगा, तो यहाँ पर हम एक एक करके सारी परमिशन ऑन कर देते हैं। तो यहाँ पर एसएमएस की परमिशन और फ़ोन की परमिशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है, तो इसे ध्यान से ऑन कर दें। तो यहाँ से मैं ऑन कर देता हूँ सारी परमिशन को, उसके बाद बैक आ जाता हूँ। अब उसके बाद हमें अपने फ़ोन पे की एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है, और उसके बाद अब आप यहाँ पर आप अपना फ़ोन नंबर आप डाल के देख लीजिएगा। तो यहाँ पर मैं आपको फ़ोन नंबर डाल के दिखा देता हूँ, यहाँ पर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होती है या फिर नहीं, ठीक है। हम अपना फ़ोन नंबर डाल देते और उसके बाद यहाँ पर मैं प्रोसीड पे क्लिक कर देता हूँ, तो अब ओटीपी आ जाएगा, उम्मीद करते हैं ओटीपी आ जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, अभी ओटीपी आ जाएगा। देखिए ये ओटीपी आ चुका है और यहाँ पर हमारा अकाउंट ओपन हो चुका है। दोस्तों अगर अभी भी आपका ओटीपी नहीं आ रहा होगा
तो एक बार आप अपने सिम कार्ड के सर्विस सेंटर में एक बार कस्टमर केयर को कॉल करके देख लीजिए, कभी कभी प्रॉब्लम वहाँ से भी होती है, ठीक है। और तभी भी नहीं आ रहा तो एक बार आप फोन पे के कस्टमर केयर पे कॉल करके देख लीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो टेक्सोर को सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।